फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीत गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो अभी अभी जो है समझ लें एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज है जीएसटी और पीएसटी के हवाले से। और सरदार शाह साहब ने जो है रिसेंटली भी कोई इंटरव्यू दिया और रिसेंटली उन्होंने बताया कि भाई पीएसटी और जीएसटी दोनों के अंदर 40% जो नंबर लेगा जो बच्चा उसको ऑफर लेटर दिया जाएगा, ठीक है। और ये काफी टाइम से मतलब उन्होंने समरी वगैरह भेजी हुई थी कैबिनेट में, तो आज ये मतलब फैसला हो गया है कि जो जिन बच्चों के 40 नंबर होंगे वो जीएसटी या पीएसटी के दोनों को, ठीक है, उनको जो है वो ऑफर लेटर दिया जाएगा। और ये काफी एक तरह से अच्छा फैसला है क्योंकि काफी ऐसी तहसील्स हैं और काफी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं जहां पे स्टूडेंट्स की और टीचर्स की जरूरत है। तो जाहिर बात है गवर्नमेंट को ये चीज करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करनी पड़ेंगी क्योंकि यार वो बार बार तो रिकंडक्ट टेस्ट नहीं कर सकते इतने सारे असातिज़ा का, तो इसलिए से वो अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो उनकी भी मजबूरी है चेंजेस लेकर आना क्योंकि बार बार गवर्नमेंट को अपने भी बहुत सारे काम होते हैं कि वो अपने काम करें या फिर दोबारा रिकंडक्ट टेस्ट करें, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा एकदम है इन लोगों ने, ये जो है पीएसटी और जीएसटी दोनों का कर दिया है। अच्छा, अब जो जिन असातिज़ा अब जो लोग ये समझ रहे हैं जिनको 40% नंबर है तो मतलब कि उनको ऑफर लेटर मिलेगा ही मिलेगा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आपके 40 नंबर हैं तो आपको ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है। 40 उन्होंने एक हद बता दी कि जिसके 40 नंबर होंगे और जिसकी तहसील में जगह होगी उसको ऑफर लेटर दिया जाएगा, ठीक है, ये सीन है। और 118 तहसील में टॉप टू बॉटम 40 पे पास करेंगे, ठीक है, और उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा 118 तहसील के अंदर। और 18 तहसील में 25 जो है वो मार्क्स देकर बच्चों को पास किया जाएगा, सिर्फ 18 तहसील होंगे जिनको 25 मार्क्स देकर पास किया जाएगा और मतलब उनकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद उनसे टेस्ट लिया जाएगा। और अगर वो 25 नंबर से ज्यादा ले लेते हैं, मतलब 40 नंबर ले लेते हैं, 45 नंबर ले लेते हैं, 50 नंबर ले लेते हैं तो उनकी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। अगर वो 40 नंबर नहीं ले पाते या 45 नंबर नहीं ले पाते, 40 अबव नंबर नहीं ले पाते तो उनको इनकी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उनको छुट्टी दे दी जाएगी कि भाई आप जो है अहल नहीं है टीचिंग के लिए, ठीक है। मतलब 118 तहसील के अंदर टॉप टू बॉटम 40 मार्क्स होंगे उनको जो है वो ऑफर लेटर दे दिए जाएंगे और सिर्फ 18 तहसील के अंदर 25 पे मार्क्स जो है वो पास किया जाएगा और मतलब पास करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और 1500 जो है वो कैंडिडेट्स ऐसे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इनको 25 पे पास भी किया जाएगा और उनकी भी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद जो है वो उनका टेस्ट रिकंडक्ट एक गवर्नमेंट टेस्ट लेगी और जो बच्चे टेस्ट में क्लियर होंगे जिनके 40 से अबव मार्क्स आएंगे उनको जो है वो टीचिंग की जॉब फिर दी जाएगी और जिसकी नहीं आएगी उसको निकाल दिया जाएगा। तो IBA ने फिर ये भी क्लेम किया कि पासिंग जो है वो टेस्ट जो है बहुत ज्यादा सख्त था, ठीक है, लिखा हुआ देखें पासिंग मार्क्स जो है वो किसी हद तक 55 से कम करके 40% कर दी गई है, ये ठीक है, ये देख सकते हैं ये ऑथेंटिक न्यूज है। पीएससी जीएसटी के लिए 40% नंबर के लिए नंबर लेने वाले को ऑफर लेटर जो है वो मिलेगा और IBA का जो टेस्ट है इंतहाई सख्त था महकमा तालीम। तो जाहिर बात है यार IBA ने अपना क्राइटेरिया रखा था और टेस्ट बहुत ज्यादा टफ था जिसकी वजह से इनको पॉलिसी में काफी चेंजेस करनी पड़ी है। पहले से आप जानते हैं पहले 45% पॉलिसी लेकर आए, फिर उन्होंने वो पॉलिसी चेंज करी, तो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसीज जो है वो चेंज होती रही है और काफी सी तहसील में सीट्स अभी जा रही है जाया, तो इनको चैलेंजेस तो करनी पड़ेंगी। तो ये एक्सपेक्टेड था काफी टाइम से, तो आज जो है वो माशाल्लाह से अनाउंस हो गया और एक या दो दिन के अंदर ऑफिशियल इनका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने 1100 कैंडिडेट्स को जो एक नंबर देके पास किया है, तो होपफुली ये भी हो सकता है कि जीएसटी के अंदर बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएं, उसमें भी रेक्टिफिकेशन हो मिस्टेक्स वगैरह की। लेकिन हाल फिलहाल जो है जो बच्चे पास हो गए जिनके 40 नंबर हैं जीएसटी में, उन्होंने 40 नंबर लिए थे जीएसटी में, चाहे वो गर्ल्स हैं वो लड़कियां, तो उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और क्योंकि जाहिर बात है काफी डिस्ट्रिक्ट में जीएसटी की सीट्स बिल्कुल ही खाली जा रही हैं, अगर 40 पे भी पास करते हैं तो सब बच्चे तकरीबन एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ यार ये बहुत जबरदस्त है और इससे फिर क्या होगा, अगर बच्चे 40 पे उन्होंने पास करते हैं तो फिर जो पीएसटी में ऑलरेडी जो इन्वॉल्व हो गए होंगे, जिनकी जो पीएसटी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो अपनी जॉब छोड़ के जो वो ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो जीएसटी में भी हुए होंगे जिनके मार्क्स कम थे, लाइक 48-49 थे या 50 थे या 52 थे, अब जाहिर बात है उनका इनका जब इन्होंने जब रेशो कराया गवर्नमेंट ने तो उनको जीएसटी में ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं वो पीएसटी की सीटें खाली कर देंगे, तो उसे पीएसटी वालों के भी चांस मैं समझता हूँ बेतहाशा बढ़ गए। तो जो वेटिंग वाले हैं अब उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बेहतरीन स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने और माशाल्लाह मैं समझता हूँ
सबको इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबको जॉब्स मिल जाएंगी। और जो 1500 बच्चे ये शॉर्टलिस्ट करने की बात कर रहे हैं और देखते हैं उसमें कौन खुश नसीब है जो सिलेक्ट हो जाए, तो उसमें उनको उन लोगों को चाहिए कि भरपूर मेहनत करें और सिर्फ 45 नंबर ले लें, 50 नंबर ले लें, जिंदगी बन जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।